इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो ऑटो रिक्शा में पीछे लगाना एक युवक को इस कदर भारी पड़ गया कि उसके सामने मुसीबत खड़ी हो गई है। मामला बुरहानपुर का है। बुरहानपुर में शेख अकबर अपने ऑटो रिक्शा के पीछे पीएम नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत की तस्वीर लगा रखी थी, जिसकी वजह से कुछ लोग शेख अकबर को प्रताड़ित भी कर रहे हैं और यहाँ तक कि शेख अकबर ने यह भी बताया है कि इसकी वजह से उनके साथ कई बार मारपीट भी हुई है। शिकायत ये थी कि माननीय मोदी जी जो है हमारे देश के राजा है और उनके कार्यकाल में मेरे को 2017 में PMRY प्रधानमंत्री रोजगार के अंतर्गत ऑटो रिक्शा मिली है अनुदान, और 2019 और 20 में आवास योजना में मेरा मकान आए हुआ है और मकान बना भी चुका हूँ, मैंने पूरा 2.5 लाख रुपये मिल भी चुका है। तो वो संबंध में मैंने माननीय मोदी जी का मेरी रिक्शा के ऊपर पोस्टर लगा के रखा था, तो शहर के बुरहानपुर ज़िले के कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग वो पोस्टर को देख के उनकी गलत भावनाएं बना के कभी मेरे को भाड़ा ले जाने के संबंध में मारते, गाली देते, कभी मेले के अंदर माँ से विवाद करते। सब्जी अब्जी की माँ हमारी माता राम सब्जी की दुकान लगाती है, तो माता राम से भी सब्जी लेके पैसा ना देने के कारण वो चक्कर में विवाद करते कि तेरा लड़का जो है, तो आज एक हिंदू व्यक्ति जिनने गुजरात कांड के अंदर कई मुसलमानों कत्लेआम किया, आज उसका फोटो लगा के बड़ा सारा शोक से घूमता, तो ना तेरे शहर में रहने देंगे ना बस्ती में रहने देंगे। अब शेख अकबर ने पुलिस में अपनी सुरक्षा की मांग करते हुए ज्ञापन भी सौंपा है और पुलिस ने इस पूरे मामले में शिकायत दर्ज कर ली है और मामले की जांच में जुट गई है। मोहन भागवत जी का फोटो लगा करके जो ऑटो चला रहा था उसको उसी के समाज के कुछ लोगों ने धमकी दी थी, उस मामले में क्या कुछ कार्रवाई? एक अकबर नाम का व्यक्ति जो है उसके द्वारा शिकायत की गई थी कि उसके साथ कुछ लोगों ने जो है वो उसको डराया धमकाया है और मारपीट करी है, क्योंकि वो ऑटो पे जो है वो फोटो लगाया हुआ था उसने, तो उस तारतम्य में उसमें मामला पंजीबद्ध कर लिया है 3/3/2005 का, और साथ ही साथ में जो 3 आरोपी है उसके अंदर उन सभी की गिरफ्तारी करके 2 दिन में जल्द से जल्द चार्ज पेश कर दिया।